कई बार ना कुछ किस्से अनकहे रह जाते हैं, हमारे दिल में ज़रूर होते हैं बट हम जुबान पे नहीं ला पाते। हम कभी कभी सोचते हैं कि सामने वाले को कैसा लगेगा, पर पता है टाइम निकल जाता है, बहुत लेट हो जाती है। खैर, आप आपके दिल में अगर कोई बात है ना तो खुल के बोलो, टाइम का कुछ पता नहीं। हम बात करते हैं इस प्रॉपर्टी के बारे में जो कि कॉस्ट करती है 15,000 to 20,000 पर डे की रेंट पे, 2 BHK, जिसमें रुके थे हम 4 लोग, मैं, लव, बानी और दीपिका। इट वाज ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस, ट्रस्ट मी। मैं बात कर रही हूँ इस वक्त भीमताल की। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज साक्षी दंजल और हम शिफ्ट कर रहे हैं आज अपनी प्रॉपर्टी। दिस इज़ अ लास्ट प्रॉपर्टी, दिस इज़ अ होम स्टे। होप मेरी जो पुरानी प्रॉपर्टी थी आपको पसंद आई होगी। थोड़ा खाने का जुगाड़ कर रहे हैं बिकॉज़ वी डोंट हैव फूड इन दैट प्रॉपर्टी। चलो मेरे को दो में और कुछ और लेके आते हैं। गाड़ी के साथ क्या हुआ गाइस? बलात्कार? किस तरीके का बलात्कार हुआ होगा? ऐसे सेंसिटिव मामलों पे ऐसे नहीं बोलते। ये ले मार, भाई फिर मार। इट्स अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक, यू कैन नॉट से कि बलात्कार हुआ एंड ऑल दैट। आई मीन लाइक ये भीमताल लेक के बिल्कुल सामने है एंड दिस इज द व्यू, इसको चेक करो, तुम भी व्यू के अंदर हो यार। और ऊपर देखो यार कितना प्यारा है ये, मतलब दिस इज अ मतलब 2 BHK। सामने वाली प्रॉपर्टी कल क्या भी रहे, सामने वाली प्रॉपर्टी है। सो गाइस, ये प्रॉपर्टी 2 BHK की है। मैं आपको वो अंदर पहुंच के प्रॉपर्टी दिखाती हूँ, मतलब हादी नहीं हो गई है, दिख रही है ना, दिख नहीं रही प्रॉपर्टी, नहीं दिख रही, ऊपर जाके दिख रही है ना, इट्स सरप्राइज, दीपिका ऑलरेडी फेमस है यार, दीपिका ऑलरेडी फेमस है यार। प्रॉपर्टी और स्टार्ट करो, ये क्या आगे सामने तुम्हारे लिए? हम शुरुआत करते हैं। साक्षी आई हमारे साथ, अभी मैंने बैग भी नहीं उतारा, इतनी एक्साइटमेंट है, देख सकते हो यहाँ पे, स्पेशली द ग्रीन इज सो मच एंड देन यू हैव लॉट ऑफ वाटर ओवर देयर, ऑफ कोर्स ही बात है। भीमताल लेक, वाओ, दिस इज क्रिसमस ट्री, पता है इसी पे लाइट्स लगाते हैं क्रिसमस ट्री के टाइम पे एंड देन क्रिसमस। ओह माय गॉड, वी हैव दिस अमेजिंग प्लेस वेयर वी कैन चे This is antique. Coffee. This is very antique. This is so good. Then welcome. Yeah. क्योंकि सास भी कभी बहु थी। See guys. We have music जिससे आज हम साक्षी को बिल्कुल नहीं सोने देने वाले क्योंकि हम आज नाचेंगे और हमें म्यूजिक मिल गया है। ये मुझे 5 मिनट की जरूरत नहीं है। अब आप देख सकते हैं ये रूम है बानी और इनका, क्योंकि दोनों रूम सेम है तो इसलिए कोई भी चूज करने की दिक्कत नहीं हुई। आप अपना रूम दिखाइए, वो देखिए अपने रूम वहाँ पे। सो दिस गाइस, आप चेक कर सकते हो जितना सामान है, बहुत एंटीक्स और मतलब उस तरह से वाइब डब्बे जैसे कि घर होता है तो घर की जैसे वाइब्स होती है। एक मिनट, वॉशरूम विद द मिरर एंड दैट्स द लिविंग एरिया, द मतलब जो मेन बेडरूम है, सॉरी दिस इज द बेडरूम एंड लेट्स गो बैक टू मेरा और लव का रूम। दिस इज द सेम रूम, बहुत सारे लगेज रखने की जगह है एंड यू कैन एक्चुअली स्टे बहुत दिनों के लिए। आई जस्ट वॉन्ट टू क्रिएट यहाँ पे कंटेंट, दिस इज ब्यूटिफुल, दिस इज एक्चुअली ब्यूटिफुल। ये ना कैनवस पेंटिंग है गाइस, सारी की सारी दिस इज कैनवस वर्क। अंदर चलते हैं इस जगह की तरफ एंड वाओ, आई जस्ट लव द वाइब ऑफ द वॉशरूम। वॉशरूम किसका फेवरेट? मेरे को वॉशरूम बहुत फेवरेट है यार मेरा, दिस इज हीटर। यहाँ पे गर्मी मतलब ज़्यादा ठंड होती होगी ऑब्वियसली, तभी हीटर। और अगर मैं इस तरफ जाती हूँ तो भैया का किचन है, भैया को सब बनाना आता है वैसे। वाह, ये हुआ ना बात, अब पानी पिलाओ उन लोगों को। मैंने तुम्हें कल ही बोला था यू गोना लव दिस प्लेस, कल ही बोलते था आने से पहले। की कोई सुनता ही नहीं है यार, क्या मैं वैसे भी अब ज्यादा बोलना नहीं चाहती इसलिए कोई सुनता ही नहीं है। मैं बहुत सुनती हूँ। नहीं सुनती, हट, कोई भी नहीं सुनती। मैं बहुत सुनती हूँ। मैं तो सुनती हूँ। कब सुनते हो? इसकी कमर पे कौन चढ़ा था बताइए जरा, साक्षी की हम सुनते हैं पर साक्षी हमारी नहीं सुनती। होता है मेरे साथ, बहुत बार होता है मुझसे पूछो क्योंकि साक्षी कितनी बार सुनती है, साक्षी कभी नहीं सुनती मेरी, साक्षी कभी नहीं सुनती। अरे मुझे लव उठाने आया, लव मुझे सोने भी नहीं देता और लव मुझे उठाने भी आता है। हमने सुबह सुबह जगराता चला दिया था, साक्षी कहते कि आपका स्वागत है यहाँ पे, साक्षी की नींद मेरे को लगा कि ऐसी होनी चाहिए, तो एक्चुअली वो मेरा सक्सेसफुल हो गया प्लान, बिकॉज़ टुडे इज द टाइम वी हैव टू गो बैक टू दिल्ली एंड आई वांट हिम जल्दी इन दिस, इट्स ऑलरेडी 1 सो वी आर प्लानिंग टू चेक आउट बाय 2, सो इट वुड बी इजी फॉर, बिकॉज़ 6 घंटे तो तेरे वहां तक ही लगेंगे, यू नो, रास्ते में तेरे घर। हां एग्जैक्टली, दैट्स फाइन।
और ये जो अगर आप बालकनी से व्यू देखोगे तो दैट्स द व्यू ओवर देयर. नाइस ना. चलो रेडी होते हैं फटाफट से. चाय पी के भी? मैं चाय पीती नहीं. कॉफी? अभी नहीं. तो मैं तो अभी आराम से खाने पीने वाली बंदी हूँ. नॉट सुबह. हाय गाइस, हाउ आर यू? हाँ, चेक आउट द व्यू. आज बादल ही नीचे आए हैं. इट्स लुक सो मच अमेजिंग विद द गार्डन. आज रोशनी में आपको मैं प्रॉपर्टी दिखाती हूँ. कैसी है? बोल लो, क्या बोलना चाहते हो तुम? पता क्या कर रहे हो? वो भी हम कल की बची हुई सब्जी हमारी बच गई थी. व्हिच इज अ वेरी गुड थिंग एक्चुअली, बिकॉज़ कल एक्चुअली का खाना बहुत अच्छा था. आई रियली लव्ड इट. पता है गाइस, कहीं भी जाओ ना, नेवर ऑर्डर तंदूरी रोटी एंड ऑल दैट. ऑलवेज टेल देम टू गिव यू दिस तवा पर तवा रोटी. सो नाउ वी आर हैविंग चाय एंड ऑल दैट. हमने दूसरा ऑर्डर कर दिया. वेयर आई एम जस्ट लाइक टेलिंग हिम टू जस्ट गेट रेडी. दे आर लाइक दोनों ऐसे बातें कर रहे हैं. मैं कह रहा हूं बातें गाड़ी में कर लेना. चलो चलो निकलो निकलो. सो लेट मी जस्ट गेट रेडी नाउ. तो कल गाइस आपने प्रॉपर्टी देख ली थी. कल अभी सब कुछ बहुत मेस्ड अप है. एंड दैट्स अ किचन. भैया भी गए हैं. भैया भी जस्ट अपने जगह गए हैं. दैट्स देयर रूम. लव यहाँ सोया. आई विल शो यू द लव वाला कमरा. लव यहाँ पे सोया था इस जगह पे. दैट्स द डोमेट्री बच्चों के लिए. देयर आर 3 डोमेट्रीज एंड दैट्स अ मतलब वॉशरूम, कंबाइंड वॉशरूम. एंड जब चलते हैं मेरे घर कमरे की तरफ जो आई गेस सबसे ज़्यादा बिखरा हुआ होगा. दैट्स माय रूम. वी आर ऑल पैक टू गो गाइस. अच्छा मैं बता देती हूँ, ये बानी और उसकी सिस्टर का लगेज है, ये मेरा लगेज है, लव का लगेज है, लव का बैग है, पीछे मेरा बैग है, ये मेरा भसड़ है. अब मैं इसको बंद कर देती हूँ. वी ऑल कैप दी खाना पीना. क्या रह गया? अच्छा ये रह गया. ओके जस्ट लेट मी ओपन. हां देंगे तो नहीं. मैं डलवाती हूँ, रुक जा. पकड़ इसको कैमरे को पकड़. बिप्स. हां जी मैडम जी, क्या चाहिए? चलता है क्या? कहां पे चलना? नहीं नहीं, मैडम जी हमारी गर्लफ्रेंड हमारे साथ है, हम नहीं जा सकते. खाना खिला दीजिए हमें. कल ही रिमेंबर डबल मीनिंग बात है. ओह माय गॉड, एक से एक थी भाई. चलो मोहतरमा को स्पेस दे देते हैं. रुको, हम नहीं खोल रहे मैडम, आप जाओ, हम आपको नहीं जानते. बाय बाय. देख लो हम टायर चेक करें, टायर में हवा कम थी या फिर पंचर, मतलब यू नो ऑब्वियसली ट्यूबलाइट स्टाइल में टायर पंचर होने था जल्दी पॉसिबल नहीं. लव इज ऑलवेज हेल्पफुल हमेशा की तरह. पता है कार में एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है, पहाड़ों में हवा आपका बहुत ज़्यादा. हाँ सो लव, कैसा रहा तुम्हारा एक्सपीरियंस? द बेस्ट वन. पहले बानी से पूछेंगे. लेट्स गेट. मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था. साक्षी के साथ कैसा रहा ये बता दो. अच्छा था, मतलब खट्टा मीठा. खट्टा मीठा. ओह नाइस. सो ट्रू. एग्जैक्टली. एंड हाउ अबाउट दीपिका? खट्टा मीठा. मैंने ही तो बोला खट्टा मीठा. बानी तो सिर्फ चुराती है कंटेंट. जैसे उसका कंटेंट चुरा लिया. जैसे मैं लव का कंटेंट और दिल दोनों चुराती हूं. अरे और लड़कों का भी. मेरा तो अच्छा था. बानी के एक्सपीरियंस के बारे में पहले. बानी का तो बढ़िया था. अच्छा तो ब्लॉग अच्छे. साक्षी का है तो साक्षी के साथ तो अच्छे रहता है. ऐसी बात नहीं यार, मैंने ऐसी फील आती है टीचर स्टूडेंट वाली. नहीं नहीं, बिकॉज़ शी इज वेरी केयरिंग ऑफ कोर्स एंड वी आर द बिगड़ैल स्टूडेंट. सो दैट इज फीलिंग तो आती है. मतलब ऐसा लगता है कि लवर में छोटे बिगड़ैल बच्चे हैं और वो दीपिका ना वो उसके स्टूडेंट है. वो वाली वो जो जो सबसे ज्यादा फेवरेट होती है, ज्यादा नंबर लाती है, यू नो जिसको बैच मिल जाता है क्लास की मॉनिटर का, वो दीपिका है. और हम लोग इतने वो बैक बेंचेस वाले बच्चे उसपे करना कैमरा शी इज फीलिंग राइट नाउ. बैक बेंचेस वाले बच्चे दोनों इतने परेशान, इतना परेशान करते हैं उसको बहुत ज्यादा. कल भी पता साक्षी ने मुझे क्या बोला कि ना इन लोगों को ना 2 बजे सुला दियो इन्हें. मैंने कहा आपको सीरियसली लगता है 2 बजे सुला लो इसे? 2 बजे तो हमारी पार्टी शुरू होती है. 2 बजे से ये लोग शुरू होते हैं. I was saying because मुझे सोना था यार. I was the one जिसको मुझे सोना था. आप गेट बंद करके सो जाओ. It's next to impossible कि ये 2 बजे सोएंगे. सही बात. So true. इतना प्यार तो है दूसरे के लिए कि मैं आधा तक खा सकती हूँ तेरे साथ. हम सब भर चुके हैं. एग्जैक्टली. हाँ और हम लोड हो चुके हैं.
मैकडोनल्ड से। चलो चलते हैं। I said goodbye to those guys, वो लोग जा रहे हैं एंड आई एम इन माई नियर टू माई होम। चलो चलते हैं घर की तरफ। हाँ, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना आपको सबसे बेस्ट प्लेस कौन सी लगी और सबसे बेस्ट प्रॉपर्टी ऑल्सो। सी या गाइस इन नेक्स्ट वीडियो।